नमस्कार, मेरा नाम है फरहान और आज इस वक्त मैं नागपुर शहर के हिस्लॉप कॉलेज के सामने खड़ा हूँ। हिस्लॉप कॉलेज में कई सारे बच्चे एडमिशन प्रोसेस के लिए आए हुए हैं, लेकिन अंदर कोई थर्मल चेकअप नहीं, कोई सैनिटाइज़र नहीं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र ये सिर्फ होटल्स, मॉल, थिएटर्स के लिए बनाए गए कि क्या ये स्कूल और कॉलेजेस में नहीं लागू किए जाने वाले? मैं बताता हूँ गाइस, कम इतने। मुझे एक बात बताओ भैया, यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं वो सैनिटाइजर क्यों यूज़ नहीं कर रहे? सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं? मैं तो आया, कोई यूज़ नहीं किया। मेरी बात को सुनो आप, उसकी मशीन लगी हुई है वहाँ। यहाँ पे अंदर आ रहे कोई यूज़ नहीं कर रहे? कॉलेज के अंदर जैसा जाएंगे वैसी मशीन लगी हुई है, अगर अंदर जाते तो सैनिटाइजर यूज करेंगे। कोई यूज़ करते नहीं दिखा अंदर? अंदर कोई थर्मल चेकअप नहीं हो रहा? उसके बाद आप मास्क नहीं पहन करो? मैं मास्क पहन करके हूँ। अच्छा, ओके, कम विद मी गाइस। आई शो यू कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस तरीके से आप पीछे देख रहे हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। जस्ट अभी हम आए तो वो आए, जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे तो वो सिक्योरिटी गार्ड अभी लाइन को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई मास्क नहीं, कुछ भी नहीं। ये गाइज, ये खबर अच्छी थी नागपुर के लिए कि अब जो 1000-2000 प्रतिदिन केसेस आ रहे थे वो अब 200 के पास पहुँच गए थे। लेकिन अब ऐसे जो हालात बन रहे हैं नागपुर के कॉलेजेस में, उसके बाद मुझे लगता है कि 200 से अब 2000 होने में वक्त ही लगेगा। नागपुर शहर के हिस्लॉप कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताओ, आप जब एंटर करें जाके, जो आप एडमिशन प्रोसेस आज चल रहा है, यहाँ पे इतनी भीड़ लग रही है कि आपको डर नहीं लग रहा इस चीज़ को देखते? मुझे तो बताया गया था कि सिर्फ 50 जन को एंट्री देंगे, पर यहाँ करके देखो पिछले 3-4 दिन से आ रहा हूँ तो भीड़ ही कम नहीं हो रही है। और क्या आपने सैनिटाइजर यूज किया? आपको बोला गया सैनिटाइजर यूज करने के लिए? मुझे ना थर्मल चेकअप मिला है ना कुछ मिला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। आपके पेरेंट्स को पता है ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो रही है? वो लोग तो मुझे बोलते इतने दिन से आ रहा है, एडमिशन क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा? यहाँ पे कितने लोगों ने सैनिटाइजर यूज़ किया यहाँ पे आने से पहले? आपको बोला सैनिटाइजर यूज करना? नहीं। आपको बोला सैनिटाइजर यूज? आपको बोला गया थर्मल चेकअप करना इसके पहले? आपको बोला? गाइज, इतने लोग मेरे पीछे खड़े हैं और ये नागपुर शहर का हिस्लॉप कॉलेज है जहाँ पे किसी भी बच्चे को नहीं बोला गया थर्मल चेकअप करने, ना ही सैनिटाइजर यूज करने। और जब इनसे पूछ रहा हूँ कि इनके किसने ऑर्डर दिया, तो नाम लेने का नाम नहीं ले रहे। जो केसेस अब 2000 से 200 पर आए हैं, मुझे लगता है कि वापस अब 2000 पे हो जाएगा। स्टूडेंट्स के बाहर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी हैं जिनसे आज मैं बात करने वाला हूँ। सर, आप यहाँ कब से आए हैं? जब से आप यहाँ पर आए, क्या आपको एंट्रेंस पे इन्होंने सैनिटाइजर दिया? नहीं दिया। नहीं, क्या थर्मल चेकअप आपका किया? कोई नहीं किया। आपके बच्चों का किया? नहीं नहीं, किसी का भी नहीं करा। ये जो इतनी भीड़ लगी पड़ी है, आपको डर नहीं लग रहा आपके बच्चों को यहाँ भेजने? ऐसा लग रहा है कि कोरोना चले गए, अभी तक जो भी चल रहा था, फिर फ्रॉड चल रहा था, ऐसा लग रहा है। क्या अभी आप कुछ बोलना चाहोगे कॉलेज प्रशासन को, स्कूल प्रशासन को? क्यों नहीं बोलना चाहेंगे, सब सेफ्टी से काम करना चाहिए। तो आपने कुछ कई कंप्लेंट की, कुछ बोला अभी तक? नहीं नहीं, अभी बोला तो नहीं, जाने नहीं दे रहा तो कहाँ से बोलेगा, किसको बोलेगा? नहीं बोलेगा किसको, सब तो बाहर स्टूडेंट ही है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो अंदर है। मुझे लगता है कि जब कॉलेज ने तो सारे बच्चों को एडमिशन प्रोसेस के लिए बुलाया, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि इस चीज़ को मेंटेन रखे, मेंटेन करने की कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। जब वो नहीं कर सकते, फिर कॉलेज क्यों चला रहे हो इतना बड़ा? सही बात है, नहीं चलाना चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए। बट ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉलेज प्रशासन बिल्कुल लापरवाही कर रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे कोई पॉजिटिव होकर जाए, डर तो लगेगा ही ना, क्या करे फिर? 6-7 महीने से जो गवर्नमेंट बता रही है कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि मॉल्स में सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग, क्या सिर्फ वही सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए? स्कूल कॉलेज में नहीं होनी चाहिए? सर, मैं नागपुर जुड़े से हूँ, मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी थी। सर, आप? आई एम द वाइस प्रिंसिपल। सर, क्या हम लोग अंदर बात करें? नहीं, यू हैव टू फर्स्ट, व्हाई डिड यू कम? सर, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ये पता चला कि आपके स्कूल में ये मुझे कह रहे कीप सम डिस्टेंस, और ये जो स्कूल में डिस्टेंस, ये जो कॉलेज में डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा, ये डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा। सर, बारिश के पहले भी
आप कीजिए ना सर, आप कीजिए, मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब तो दीजिए मुझे। जवाब नहीं, और ये मुझे कह रहे कीप सम डिस्टेंस। वेयर इज डिस्टेंस, टेल मी ना, वेयर इज डिस्टेंस। आपको क्या लगता है मुझे आप कमेंट करके बताओ। दिस इज फरहान फ्रॉम नागपुर टुडे, थैंक यू।